आपके पास आज लेके आए हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा सा, और साथ में मौके पे हम जाएंगे, खुद देखेंगे वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ उनका क्या सूरत हाल है, उनके एसेट्स क्या हैं। ठीक है, और जो आजकल हॉट केक है ब्लू वर्ल्ड सिटी का, जो ओवरसीज़ ब्लॉक है, ठीक है, वो हम देखेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप व्हाट्सएप पर देख रहे हैं तो आप काइंडली यूट्यूब पर जाके हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके पास रियल स्टेट की जो अपडेट्स हैं और हमारे प्रोजेक्ट्स की और जो हमारे पास इन्वेंट्री है उसकी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं हूं मोहम्मद कासिम खान और मैं आपके पास लेके आया हूं आज एक नई प्रॉपर्टी। जो आप पीछे देख रहे हैं मेरे, ये ब्लू वर्ल्ड सिटी है। मैं इसके एंट्रेंस गेट के ऊपर खड़ा हूँ और साथ में इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के गेट के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, और ये जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी के मुताबिक ये पार्क चाइना की जो है पहली हाउसिंग सोसाइटी होगी जिसमें काम सारा का सारा चाइनीज़ करेंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा सारी मशीनरी, मौके के ऊपर हम जाएंगे ताकि जो भी आपके जहन में शकूक व शुबात है वो आप आंखों से देख लें। रियल स्टेट का पाकिस्तान में सिर्फ एक यही अलमिया है कि जो दिखता है वो नहीं बिकता, तो हम वही दिखाएँगे जो बिक रहा है असल में। ठीक है, तो खैर आगे चलते हैं। इनका जनाब ब्लू वर्ल्ड सिटी बनने का जो प्रोजेक्ट है वो बना हुआ है, तकरीबन इनका एमओयू साइन हुआ है शान जियान म्यूनसिपल इंजीनियरिंग कंपनी है, चाइना की एक कंपनी है जो कि ये ब्लू वर्ल्ड सिटी सारा डेवलप करेगी। अब थोड़ा सा वो जो कंपनी है जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी बना रही है बीजीसी, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। 1989 में लाहौर में ये कंपनी स्टार्ट हुई और काफ़ी ट्रस्टवर्दी और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अकॉर्डिंग टू देम, ये इस तरह कहते हैं। और रियल स्टेट, ठीक है, मार्केटिंग के अंदर आर्किटेक्चर डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन आईटी सपोर्ट, कमर्शियल जो प्रिंटिंग है उस लेवल का इन्होंने काम किया, जो मैंने प्रोजेक्ट्स आपको अर्लियर बताए हुए हैं जो इन्होंने किए हैं। इनके 300 के लगभग एम्प्लॉयज़ हैं और इसके साथ साथ इनका एक ब्रांड भी है आर्टिमिक्स के नाम से। मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना पर्सनली, लेकिन इनका एक ब्रांड भी है। लेकिन इनके जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं ना वो PIA की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सेंटर पार्क लाहौर है, ब्लू सफायर है, ब्लू मार्ट एंड ब्लू टेक्नोलॉजीज, इनके कम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं अभी तक के। और रिंग रोड का जो अप्रूवल हुआ है उसमें चक्री से रोड गुजर रही है जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के बिल्कुल पास से गुजर रही है, तो ये भी इसका एक बड़ा एज है। ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है ये लाहौर और इस्लामाबाद के चक्री इंटरचेंज से जब आप उतरेंगे तो 8 मिनट का टोटल रास्ता है, 8 किलोमीटर का रास्ता है। अगर 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं तो आप 8 मिनट में कमोबेश ब्लू वर्ल्ड के गेट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, और ये इसका एंट्रेंस गेट है। और इसका जो आजकल हम आपके जो वीडियो पेश करने का मकसद जो है वो ये है कि ओवरसीज़ ब्लॉग जो है इसका आजकल हॉट केक बना हुआ है मार्केट का, तो हम आज उसका थोड़ा ओवरव्यू देंगे। ओवरसीज़ ब्लॉग के अंदर 5 और 10 मरले के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, 1 और 2 कनाल के आपके रेजिडेंशियल प्लॉट्स, तो आज हम उनका थोड़ा ओवरव्यू करेंगे, मौके पे जाएंगे, देखेंगे और सारी जितने भी अपडेट्स हैं वो इस वीडियो के ज़रिए हम आपको देंगे, तो आइए चलते हैं। अच्छा, 3-4 सवाल हैं जो कि लोगों के गिर्द आजकल बहुत ज़्यादा इसमें घूम रहे हैं। सबसे पहले ये है कि लोग कह रहे हैं कि इसमें कम ज़मीन इनको अलॉट हुई है, जैसे एक न्यूज़ चैनल था प्राइवेट जिसने ये कहा कि इनको 35 कनाल की ज़मीन अलॉट हुई है। अभी मैं मौके पे गया हूँ तो मुझे आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि सिर्फ अगर आप एंट्रेंस गेट से आगे जाएँ तो 4 किलोमीटर तक मेन बुलेवार्ड बनी हुई है इसकी, ठीक है, और अगर मेन बुलेवार्ड बनी है तो 35 कनाल से तो बहुत ज़्यादा जगह। और उसके साथ साथ दूसरी जो चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा आम है कि इसका NOC कैंसिल हो गया है। देखें जी, अभी इसका NOC अंडर प्रोसेस है, अभी ये प्रोजेक्ट बहुत इनिशियल स्टेज पे है, और अगर एक चीज़ अप्रूव ही नहीं हुई तो कैंसिल कैसे हो सकती है, अभी इन प्रोसेस है। जैसे पाकिस्तान में छोटी छोटी चीज़ों पर भी सरकारी तौर पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और ये अभी इनिशियल फेज़ पर, ठीक है, और इसका अभी प्रोसेस हो रहा है। अभी जो DC हैं, ठीक है, इस्लामाबाद के, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि जितने भी सोसाइटीज़ के जो NOC पेंडिंग है उनको जल्द अज़ल्द निपटाया जाए। जो अगला सवाल है, लोग पूछते हैं कि क्या आया ये इन्वेस्टमेंट जो है उनकी, अगर वो ब्लू वर्ल्ड सिटी में करते हैं काम आएगी या नहीं आएगी। आप सिंपल सी बात है, देख लीजिए जी, 2017 से ये सोसाइटी शुरू हुई है और इसकी डेवलपमेंट आपके सामने ही है। चक्री रोड पे और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, मैं गुजर रहा था मौके पर, मैंने देखा, उनका नाम मैंने कभी सुना ही नहीं, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी अगर इस्लामाबाद और रावलपिंडी और लाहौर और कराची और पूरे पाकिस्तान में अगर अपना नाम फैला रही है तो अपने काम की वजह से फैला रही है। और जिस तरह तेज़ी से 24/7 काम चल रहा है वो मैंने मौके पर आके देख भी ली है और उसको ऑब्ज़र्व भी कर ली है।
कुछ लोग होते हैं अगर वो आप चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहें, 3 से 4 साल बाद उनको रिटर्न मिले, तो सिंपल सी बात है, जिस तरह का इसका पेमेंट प्लान है, इतना सिंपल और इतना ईजी और इतना आसान पेमेंट प्लान उन्होंने अभी तक किसी सोसाइटी ने लॉन्च नहीं किया। और ये होगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पैसे सेफ रहें और आपको 3-4 साल बाद 5 साल बाद उसका रिटर्न मिले, तो मेरे ख्याल में ब्लू वर्ल्ड सिटी से बेहतर इस वक्त इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। और जो नेक्स्ट सवाल जो कि आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर फैल रहा है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो है 50 अरब का फ्रॉड कर दिया है, और अगर आप सिंपली इसकी जितने भी प्लॉटिंग है उसका हिसाब लगाएं और जो इन्होंने इंस्टॉलमेंट प्लान का हिसाब लगाएं, अगर आप उसको भी ज़रब दे दें तमाम इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ, तो 5 अरब बनती है। तो ये सिर्फ आप ये कह लें कि अफवाहें हैं। और एक और सवाल जो कि बहुत ज़्यादा गर्जिश कर रहा है कि भाई जो फाइल्स हैं वो नकली बिक रही हैं। देखें जी, अगर किसी ने नकली फाइल बेची हुई, तो हर सोसाइटी के अंदर कुछ नौसरबाज फ्रॉडी ऐसे होते हैं, जो शरपसंद अनासर ऐसे होते हैं जो कि नकली फाइलें बेच रहे होते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने ऐसी कोई भी फाइल नहीं भेजी। जो भी आपको इसका तरीकाकार है, जो भी आप फाइल ख़रीदते हैं उसकी आप अप्रूवल करवा सकते हैं, क्रॉस चेक करवा सकते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऑफिस से। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जो कि आपको पीछे अगर आप देख रहे हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के, जी ये क्लेम कर रहे हैं कि ये वर्ल्ड्स टॉलेस्ट हॉर्स मैस्कट होगा। मतलब ये एक घोड़े का जो है, आप आसान लफ्जों में अगर मैं समझाऊं तो मुजस्मा बना रहे हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा घोड़े का जो है मुजस्मा होगा। तो देखते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, देखते हैं इसकी तरफ कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आइए, जो अगर आप देखें बैकग्राउंड के अंदर, तो ये इस तरह की कोई इसकी शक्ल बनेगी जब ये बनेगा। ठीक है, दो घोड़े हैं, ठीक है जी। और ये आप पीछे देख सकते हैं, ये पहाड़ियों के हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितने बड़े होंगे। ठीक है, इन्होंने इसकी बुनियाद डाल दी है, मशीनरी साथ ही यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मशीनरी इसकी लग चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी बुनियाद ये डल चुकी है। तो ये इसके पीछे अगर आप देखें तो ये इसकी बुनियाद है। ठीक है, ये इन्होंने एक छोटा सा ऊपर मुजस्मा रखा हुआ है। ठीक है जी, ये जो आपको छोटा सा मुजस्मा नज़र आ रहा है, यही दुनिया का सबसे बड़ा जो है घोड़े का मुजस्मा बनेगा। ठीक है, ये उसकी बुनियाद पड़ चुकी है। तो ये जो आप बैक साइड पे मेरे देख रहे हैं, ये वो दुनिया का सबसे बड़ा टॉलेस्ट हॉर्स मैस्कट बनने वाला है। ठीक है जी, ये 125 फुट का होगा। ठीक है, मलेशिया के अंदर 100 फुट का बना हुआ है। इस वक्त अगर आप देखें तो ये पूरा गोल चक्कर बनेगा। ठीक है, रोड का, जिसके दरमियान में एक घोड़े का सर यहाँ पे होगा, दूसरे वाले का सामने वाली साइड पे होगा। ये पूरा गोल चक्कर है। ठीक है, इसके गिर्द रोड घूमेगी। ठीक है, राउंड अबाउट है पूरा। और ये अभी इस पर काम जोरों शोर जारी है, लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, वेल्डर्स आए हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे बुनियाद बिठाना शुरू कर दी है। मैं इस वक्त हूँ ओवरसीज ब्लॉक के अंदर, और आपको इस वक्त दिख रहा होगा ये सारा ओवरसीज ब्लॉक है। और इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें थी कि ये जनाब नकली सोसाइटी है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद आके इधर इस जगह पे कंफर्म कर लूँ। ठीक है, और विजिट कर लूँ। मैं इधर आया हूँ जनाब, यहाँ पे जितनी मशीनरी लगी हुई है, ठीक है, उस लिहाज से तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये इस तरह की सोसाइटी है। के पीछे अभी जो बिल्डिंग में आपने देखा, जो बिल्डिंग की बुनियाद रख रहे हैं, जहाँ पे मेरे पीछे अगर बैक साइड पे आपको मशीनरी नज़र आ रही, तो स्कूल की बुनियाद रखी जा रही है। अगर आप इस सोसाइटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, या कोई प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं, या मुनाफा बख्श इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो इस नंबर पर रब्ता कीजिए, कॉल कीजिए और बेफिक्र हो जाइए। अल्लाह हाफिज़।